पुरानका जमाना में सब ईटा उटा कुछ ना निकला। महाराज भुरीसवा के नाम पर ही इस जगह का नाम भोरे पड़ गया था, ये बात सही बात है। रामगढ़ के राजा के जी जी घर दुआ रही जा रहा है, ये इतना इतना किनार मिलल बाटे माने पातर 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 में। हम यहाँ से कोई मूर्ति वगैरह चोरी हुआ है और में देख सकते हैं कि इस तरह का ईटा जो है कि हर जगह उसके बाद बना हुआ है। यहाँ पे जब कहीं कहीं खुदाई हुआ है तो कोई मूर्ति उर्ति भी यहाँ पे कोई मिला है क्या? हाँ, ये ठाकुर जी की मूर्ति मिल रहे है। नमस्कार, मैं हूँ सुजीत और आप देख रहे हैं टॉक विद सुजीत। आइए मैं आपको खास जगह दिखाने वाला हूँ। मैं गोपालगंज प्रखंड के भोरे में आ चुका हूँ। आप लोगों ने भुरीसवा महाराज का नाम तो सुना ही होगा। ये 14 कौरवों के ये 14 सेनापति थे, तो इन सेनापति के बारे में बहुत सारी जानकारी हम यहाँ से लेने वाले हैं। और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ शिवालय पे जो प्रखंड भोरे का है, और यहाँ पे रामगढ़वा डी है। रामगढ़वा डी का कुछ अवशेष भी अभी अवेलेबल है, मैं दिखाऊंगा रामगढ़वा डी में क्या क्या है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो हम आ गए हैं रामगढ़ जो है भोरे से 2 किलोमीटर दक्षिण में, और यहाँ पे जो बताया जाता है इस पोखरा के बारे में, तो पोखरा का देखिए चारों तरफ ये दृश्य देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ फिशिंग भी कर रहे हैं। तो आइए कुछ लोग यहाँ पे जो फिशिंग कर रहे हैं उनसे कुछ बातें करेंगे। और ये सीढ़ियाँ दिखाइए जो कितनी पुरानी हैं। मछली मिलता रिसन अच्छा, हमने के कुछ नेट पर देख ले बनी सन। हाँ। कि जो नहीं मंदिर बस शिवालय है। हाँ। ये कुछ महाभारत से जुड़ी कौन बात बकाया जाए, इतना तो कहीं नहीं है, पुरानिया भी पूछला सब। तो ये सारा जानकारी बाबा बता सकीले। हाँ, जाई पूछ। मदिला बाबा बानी। तो कितना साल पुराना हो कुछ बता सकीले? हमारा जन्म से पहले का भाई, नहीं 90 के दशक के उड़ाए के बा। तो मछली मिलता है सन ये छोड़ के कबू का, मतलब कितना देर में कितना मार ले लोग, 1-2 घंटे में कितना मिल जाए सन? ये 250 ग्राम 250 ग्राम ले। चलिए तब मंदिर में ले चलता, नहीं हम बाबा से मिलवाई ले का जानकारी वहाँ का देता नहीं। तो सबसे पहले बाबा आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। आप बताइए बाबा अपना नाम बताइए पहले। नाम मानते गुरुचरण दास लक्ष्मी चौक जी 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 दक्षिण टोला। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पे स्वागत है। आप मुझे बताइए कि महाराज भुरीसवण जो थे, भुरीसवण जो थे यहाँ के महाराजा थे, और उन्हीं के नाम पे क्या भोरे का नाम है क्या? जी हाँ, उसी के नाम से भोरे का नाम प्रसिद्ध है। जी जी। हाँ। और मालूम चलता है कि प्राचीन अगर यहाँ पे खुदाई हुई है तो कुछ महाराजा के कुछ अवशेष मिलता है या मूर्ति उर्ति भी यहाँ मिला हुआ है? हाँ, मिला हुआ, बहुत खुदाई नहीं हुआ था। मट्टी घसकी हुई थी। जी जी। तो उसी के ऊपर मिली थी मूर्ति 1931 मिली थी। और ये जो शिव मंदिर बना हुआ है, ये शिव मंदिर कब का बना हुआ है? ये बहुत पुराना है, इसको बताना कठिन है जी, क्योंकि इस मंदिर टूर करके दोबारा बनाया गया, उद्धार हुआ है, मूर्ति हुई है। यहाँ का पुराने लोग बताते थे कि भुरीसवा के हाथ के द्वारा ही पधारा गया है। अच्छा, महाराज भुरीसवण महाराज के युद्ध में कौरवों के 14वें सेनापति थे, ये बात सही है? और इसके विषय में नहीं बता पाएंगे। महाराज भुरीसवण के नाम पर ही जगह का नाम भोरे पड़ा, ये तो बात सही है। हाँ। और महाभारत से भी कुछ यहाँ पे मिलता जुलता महाभारत जानकारी है क्या आपको? नहीं, महाभारत कालीन का कोई सामान तो नहीं है, जमीन है, भूमि है, जगह है। अच्छा, कोई कह रहे थे कि पोखरा में भी कुछ मिला है? जी नहीं, पोखरा में नहीं मिला है। ये जो राजा थे कहाँ के थे? यही के थे भुरीसवा। हाँ, उनके पिता का नाम था सोमदत्त। सोमदत्त पुत्र भुरीसवा। हाँ हाँ, भुरीसवा। तो अभी कोई बता रहा है कि अगर उधर जाएंगे तो कुछ उनका अवशेष बचा हुआ है, ईटा उटा कुछ है क्या इस तरह का? ईटा उटा ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन ये बंजारों ने यहाँ बहुत दिन तक निवास किया है, उनके बाद बंजारों का कुछ ईटा मिलेंगे सब। वो प्रत्यक्ष इनार इत्यादि किनार दुयोग है जी जी, जो कुछ में बंजारों की जमाने का ईटा है। रामगढ़वा डी वही है शायद, रामगढ़वा डी वही। रामगढ़वा डी बा। हाँ।
तो जितना भी खेती लोग करता है खेती में खाली ईटा बा पत्थर बा ये सब का मिले दूसरा कुछ ना मिले तो एजिका रहल कि ऐसा लौकता है रामगढ़ के राजा के जी जी घर द्वार जा रहा है ये इतना इतना किनार मिलल बाटे माने पातर 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 में हमके ढू के पानी पिलाने हो गए नहीं यहाँ तीन चार गो रह अच्छा अच्छा तो ये बताइए कि जो राजा थे उसका क्या नाम था यहाँ अभी हम नहीं बता सकता नहीं कुछ नाम हम नहीं खेल ना रामगढ़ के राजा नाम रहे अच्छा हाँ भूली सरवा तो यहाँ के अच्छी राजा रह उन्हीं के नाम पर भोरे के नाम बा हाँ बटले बटे कुछ लोग कहत ला कि वो मंदिरवा से एगो मूर्ति चोरी भई रहल हां होई मंदिरवा से ठाकुर जी के जी 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 वो मूर्ति चोरी हो गला जे मिलबे ना कले कर बहिन तो कुछ लोग बताओ था कि वो थाना में रखल गेल बा मिलल बा तो ना ना मिलल चोरा के लेके चोर गेल से कितना साल पहले चोरी लगे सन तीन साल हो गए तीन चार साल हां चली बहुत बढ़िया जानकारी मिलल अच्छा और ए जी रामगढ़ में का का बा मतलब सब गढ़े रहले जा सब देखे है जितना है घुरिया का है बानू है जी जितना नीचे खुनाई में कुछ मिली है जा नेव मिलेला नेव मिलेला इतना इतना का चाकर चाकर नेव मिलेला आ ईटा वटा सब मिलेला हां चले बहुत बढ़िया है जी का बा पेड़वा के लगवा ए ईटा पथोलर तो जंगल झार बा अच्छा अच्छा चीज ठीक बा पुरानका माने राजा के घरवा नहीं थे घरवा कहाँ से मिल में देख सकते हैं कि इस तरह का ईटा जो है कि हर जगह मिल रहा है पूरा ईटा ही ईटा है इट मीन्स यहाँ पे कुछ था और ये रामगढ़वा डी जो है कि ऐसा ही नाम नहीं है हर जगह आप देखेंगे तो ऐसा ईंट आपको मिलेगा और खेती भी इसमें हो रहा है तो नो डाउट यहाँ पे कुछ था और ये सारा अवशेष जो है कि आज भी मौजूद है और एक अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारा कुआं था जिसमें हम लोग अंदर जाकर पानी पीते थे इतना पतला पतला कुआं होता था गोल गोल पतला पतला कुआं तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे गढ़ था राजा का किला था अभी जो है कि ख़त्म हो गया है कुछ कुछ अवशेष जो है कि अवशेष यहाँ को देखने को मिल रहा है तो इसको जैसे कि मैंने फोड़ूंगा देखिए ये कैसा है चलिए